वही प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के लगभग 3600 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को बुधवार विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षकों की नई भर्ती में ऐसे डीएलएड और डीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन करने में छूट प्रदान की गई है। प्रदेश प्रवक्ता वितिन कुंथोला ने बताया है कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, इस पर सरकार लगातार काम करती आ रही है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े 3600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा उत्तराखंड के युवाओं को हम पूरा कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भेजने का काम, नर्सिंग जो बैकलॉग था नर्सेज भेजने का काम, उनका अपॉइंटमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में जहाँ जहाँ पर करके जो है भर्तियाँ शीघ्र खोली जा रही है और निश्चित रूप से उत्तराखंड के तमाम जो युवा हैं जो काफी समय से आशावंत थे कि उनको रोजगार मिले और सरकारी रोजगार मिले, सो हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में अन्य भी जो अन्य विभाग हैं जहाँ जहाँ पर रिक्त पद हैं उनको भी भरने का काम हमारी सरकार।